अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमली की खट्टी चटनी बनाएंगे। हरा धनिया लिया है, एक प्याज बारीक काट लिया है, हरे मिर्चे बारीक काट लिए हमने, और ये थोड़ा सा नमक लिया है, काला नमक, सादा नमक, और भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और ये इमली का पल्प हमने इस तरीके से निकाल लिया है पानी डाल डाल के। इमली को हमने पहले 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर उसका पल्प निकाल लिया। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे जिससे इसमें जो बचा है वो भी निकल जाए अच्छे से। ये अमृतसरी छोले कुलचे के साथ बहुत ही फेमस होती है चटनी, अमृतसर में ज़रूर दी जाती है छोले कुलचों के साथ, आलू के कुलचे और छोले, तो उसकी रेसिपी भी हम देंगे। उससे पहले ये चटनी की रेसिपी, तो इसमें ये नमक, मिर्च, काला नमक और भुना जीरा पाउडर हमने मिला दिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये एक छोटी प्याज काट ली थी हमने मिला देंगे, और 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटे हुए, और थोड़ा सा धनिया इसमें मिक्स कर देंगे हम। तो ये हमारी इमली की खट्टी चटनी प्याज वाली तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी चटनी, और अमृतसरी आलू कुलचा इसके बगैर अधूरा है। तो ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।